सबका साथ और सबका प्रयास का असर दिखने लगा है। भारत ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सुपर फास्ट कर लिया है। अब तक 97 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है और अब वो दिन दूर नहीं है जब बेहद जल्द भारत वैक्सीनेशन का शतक लगाने वाला है। उम्मीद है कि अगले 2-4 दिनों में भारत 100 करोड़ की आबादी को टीके की पहली खुराक लगा देगा। यह महज आंकड़ा नहीं है बल्कि संकल्प है नए भारत का, जो चुनौतियों से पीछे हटना नहीं जानता, उसका डटकर मुकाबला करना जानता है। जो 18 ईयर से एवो के है उसको टीका लग चुका है, सेकंड डोज भी तेजी से लोग लगा रहे हैं और अगले नज़दीक के दिनों में 100 करोड़ टीका देश में लग जाएंगे। एक बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि होगी, हमारे लिए वो गौरव का विषय होगा। देश में 70% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, वहीं 30% को दोनों डोज मिल चुकी है। टीकाकरण की शुरुआत बेशक धीमी हुई लेकिन इसके बाद का सफर इस महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान के जज्बे को बयां करता है। भारत में पहले 10 करोड़ डोज लगने में 86 दिन लगे थे, अगले 46 दिनों में 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया। 20 में से 30 करोड़ डोज तक पहुंचने में 28 दिन लगे, 30 से 40 करोड़ डोज तक पहुँचाने में 24 दिन लगे। 6 अगस्त को देश में वैक्सीन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार कर गया, 60 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 19 दिन लगे, 70 करोड़ तक पहुंचने में 13 दिन लगे और अगले 10 दिन में भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 80 करोड़ के पार पहुंच गया। इसके महज 10 दिन बाद गांधी जयंती पर भारत ने 90 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया और अब टाइम 100 करोड़ वैक्सीनेशन के माइलस्टोन को छूने का आ गया है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की यलगार 7 समंदर पार तक सुनाई देने लगी है। विश्व बैंक ने भारत की इस कामयाबी को जमकर सराहा है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने भारत के टीकाकरण अभियान को काफी सफल बताया है। वॉशिंगटन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में डेविड मालपास ने कोरोना के खिलाफ कामयाब टीकाकरण कार्यक्रम के लिए बधाई दी। साथ ही टीका उत्पादन और वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए धन्यवाद भी दिया। भारत ने विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए दुनिया को कोविड वैक्सीन की संजीवनी देनी शुरू की थी लेकिन अप्रैल महीने में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन के निर्यात पर भारत ने पाबंदी लगा दी थी ताकि देश की पूरी आबादी का टीकाकरण किया जा सके। लेकिन देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक और वैक्सीन की उपलब्धता के बाद भारत एक बार फिर संकट मोचक बनने चल पड़ा है। भारत ने पड़ोसी देशों की मदद के लिए वैक्सीन निर्यात करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश, ईरान, नेपाल जैसे देशों को वैक्सीन डोज भेजी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पिछले महीने किए गए ऐलान के मुताबिक बेहद जल्द विश्व के और देशों को भी भारत टीके का निर्यात करना शुरू कर देगा। भारत की इस कामयाबी पर ये वक्त खुश होने का जरूर है लेकिन जश्न मनाने का नहीं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ ढिलाई की कोई गुंजाइश अभी भी नहीं है। कोविड नियमों का शिद्दत से पालन करना ही होगा, तभी तो कोरोना के खिलाफ पूरी तरह जंग जीतेगा इंडिया।